हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। मोस्टली हम जब अपना सामान रख के भूल जाते हैं और वो मिलता नहीं है तो सारा घर फैल जाता है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती हैं पर वो रखना हमको सही से समझ नहीं आता कि हम उसे कैसे रखें और वो टाइम पर मिलती ही नहीं है। तो चलिए, इसी टाइप के मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ और उसमें अपना सामान ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक ये स्नैक बॉक्स लिया है। इसको हम अक्सर होली दिवाली पर ही गुजिया मटरी रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसमें 4 कंपार्टमेंट हैं तो इसको हम डबल तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपनी ड्रॉर में जो बड़ा बॉक्स है उसको सेट कर लिया है और छोटे बॉक्सेस को अलग रख लिया है। और देखिए, मेरे सारे कॉस्मेटिक के आइटम इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अब आपको सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाएगा और इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब आप किसी पार्टी के लिए रेडी होंगे, सारा सामान एक ही जगह पर अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, कर लिया ना हमने ऑर्गेनाइज, और रखी रहने वाली चीज़ को हमने एक यूज़फुल तरीके से यूज़ कर लिया। अब देखिए, इसका मैं आपको एक सेकेंड यूज़ बता रही हूँ। देखिए, ये जो मसाला बॉक्स होता है, जहाँ हम कभी सब्ज़ी वगैरह में तड़का लगाते हैं तो हमें सारे मसाले एक जगह पर ही मसालदान में मिल जाते हैं, उसी तरह से कभी कभी हमें खड़े मसालों की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम अलग अलग बॉक्सेस में रख देते हैं और वो ढूंढना पड़ता है। तो क्यों ना हम सबको एक ही जगह पर एक मसालदान की तरह रख दें, तो जब हम सब्ज़ी वगैरह में तड़का लगाएंगे तो हमारे सारे जो खड़े मसाले होते हैं वो एक ही जगह पर मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये एयर टाइट स्नैक बॉक्स है। इसमें आप कैंडीज़ वगैरह भी रख सकते हैं, इसको अलग भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसमें अपनी सारी जो ज्वेलरी होती है उसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। देखिए, ये जब हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ फटाफट चाहिए होता है तो ये हम आराम से इसमें अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत स्लीक सा है, ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है और इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी पिन्स फ्रेंड्स, अक्सर जब हम साड़ी वगैरह पहनते हैं सेफ्टी पिन हमें मिलती ही नहीं है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 खाली मैच बॉक्सेस के जो खाली कवर होते हैं वो लिए हैं और इनको एक के ऊपर एक रख के मैंने इनको अटैच कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये वॉलपेपर है, इसको मैं अक्सर रैपिंग के लिए यूज़ करती हूँ अपने ऑर्गेनाइजर्स पे। तो बस इसका साइज़ ले लीजिए और इसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, और देखते ही देखते हमारा पिंस का ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास पिंस हैं ये सब अलग अलग साइज़ की हैं, तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे। स्मॉल, मीडियम और लार्ज, हमने 3 साइज़ में इनको अलग कर लिया है। तो मैं इसके ऊपर एस, एम और एल को लिख दे रही हूँ। अब स्मॉल वाले में हम स्मॉल पिंस को रख देंगे और मीडियम में मीडियम और लार्ज में लार्ज। इस तरह से जब हमें जिस साइज़ की पिन की ज़रूरत होगी हम उसको इजीली एक्सेस कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसे लग रहा है, आप भी बना के देखिएगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हमारे पिलो होते हैं उनके कवर में कुछ नीचे से क्लोज़र होता नहीं है तो फिर हमारे पिलो अक्सर खुल जाते हैं और ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेलक्रो कट कर लिया है और इसको अपनी सिलाई मशीन से मैंने इसके ऊपर स्टिच कर दिया है, और अब ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। बस आपको हल्के सा इसको चिपका देना है। रबर बैंड फ्रेंड्स अक्सर इधर उधर पड़े रहते हैं और ये भी हमें टाइम पर मिलते नहीं है। तो देखिए, मेरे पास एक ये खाली पेपर रोल का ये जो कार्डबोर्ड होता है ये बचा हुआ था, तो मैंने सारे जो रबर बैंड्स होते हैं इसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिए।
अब जब हमें जिस कलर की ज़रूरत होगी इजीली हम निकाल के इसमें से यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल बॉक्स तो हम सभी के घर में खाली पड़े रहते हैं और उनका कुछ यूज़ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ये ट्रिमर है, तो इसको मैंने इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये एक फेशियल ट्रिमर है, तो इससे आप फेशियल हेयर सटा सकते हैं। इसको भी मैंने इसमें ही अरेंज कर दिया है, तो दोनों एक ही टाइप की चीज़ें हैं और मैंने एक ही जगह पर इनको ऑर्गेनाइज करके रखा है। अगर आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वही वाला सेम पेपर रोल यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं इससे कवर कर दूँगी वॉलपेपर से। देखिए फ्रेंड्स बन गया ना ज़ीरो कॉस्ट में हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि मेरे इन सारे ऑर्गेनाइज़र्स में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र के लिए फ्रेंड्स मैं ये प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ कर रही हूँ और देखिए ये फेशियल मसाजर है और ये इसका पूरा चार्ट है, इसमें सारे इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बताया है कैसे यूज़ करना है, तो उसको भी मैंने नीचे इसमें अरेंज कर दिया है और ये इसके सारे अटैचमेंट्स हैं देखिए। तो फ्रेंड्स आज के मेरे ऑर्गेनाइज़र्स आपको कैसे लगे, देखिए उनमें कुछ भी नहीं करना था और हमने इस बेकार की चीज़ों को यूज़ कर लिया और हमारे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन गए। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप भी बना सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के यूनिक आइडियाज़ मैं आपके साथ चैनल पर शेयर करती रहूँगी। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।